गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर की 18 तारीख 2021 और ठीक 12 दिन बाद नए साल का आगाज़ होगा 2020। ऐसे ही हम एक्साइटेड थे 2019 के दिसंबर के लास्ट वीक में कि 2020 आ रहा है, और मतलब बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ और 2020 और एक्सपोज और इकॉनमी बहुत आगे जाएगी और 2020 बहुत शानदार होगा सबके लिए। यही एक्सपेक्टेशंस लेके सब लोगों ने 2020 का इख्तिताम किया था, लेकिन 2020 शुरू होने से पहले ही कोरोना चाइना में शुरू हो चुका था, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2020 के शुरू होने के बाद ये ग्लोबल पेंडेमिक की सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। समहाउ 2020 में बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, हम लोग सरवाइव कर गए समहाउ, वट एवर इट इज़। लाइक इफ इट इज़ ऑल अबाउट योर इम्यूनिटी, लक, मेडिकल, आपकी फिज़िकल हेल्थ, वट एवर। कुछ लोग, उनको फील ही नहीं हुआ कि उनको कोविड हुआ है या नहीं हुआ। लाइक मी, मुझे पता ही नहीं है कि पता नहीं कोविड हुआ है नहीं हुआ। नॉट अ सिंगल सिम्टम, नॉट अ सिंगल डे ऑफ फीवर, फ्लू और समथिंग लाइक दैट। सो ऐसे मतलब सम हाउ वी सर्वाइव्ड इट, एंड फिर 2021 में भी सेम सिचुएशन रही, अनसर्टेनिटी, कुछ आइडिया नहीं है क्या होगा, कैसी सिचुएशन आने वाली। नाउ एट द एंड ऑफ 2021 वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अनदर ईयर 2022। सो हर साल लोग अपना न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाते हैं, आप भी बनाते होंगे डेफिनेटली, मैंने भी बनाया। सो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं, सोचते हैं और लिखते हैं कि हम इस साल में ये चीज़ें करेंगे। हम रैंडमली डिसाइड कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे वेट कम करना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ऑर्गेनाइज्ड होना है, अपने प्रोफाइल पे काम करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, अपनी जो भी आप डिसाइड करते हो अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस साल ये नहीं कर सके अगले साल ये करेंगे। और फिर होता क्या है, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर अगेन वी सिट डाउन एंड वी सी कि हमने नहीं किया, 50% भी अचीव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सो हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, हो नहीं सकता। एक्चुअल रीज़न क्या है ना करने की, वो है हम जो टाइम हमें लगाना चाहिए रेजोल्यूशन को गोल सेटिंग में कन्वर्ट करने के लिए, वो नहीं लगाते, उसको कैटेगराइज नहीं करते, उसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लेके चलने के लिए एक प्लान या कैलेंडर के अंदर नहीं ऐड करते, कब करना है, क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। सो मैंने एक आसान हल ढूंढा है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, आपके साथ भी शेयर करता हूँ। वो क्या है कि नंबर वन, आप अपने तमाम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को अपने ईयरली गोल्स में ऐड कर लें। और ईयरली गोल्स कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले नंबर पे आप एक कैटेगरी बनाएं जिसका नाम रखें फाइनेंशियल गोल्स, पैसे कमाने के गोल। बिकॉज इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ज़रूरतें, आसाइशें, सहूलतें, वो लेने के लिए और अपनी फैमिली या किसी और को देने के लिए यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। सो ये वीडियो बनाने के लिए भी यू नीड टू हैव अ सम सॉर्ट ऑफ मनी। सो क्या होता है कि फाइनेंशियल गोल्स हमारे सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड गोल्स होते हैं आम तौर पे जो मिडिल क्लास फैमिली में लोग रहते हैं, इस चीज़ को ड्यू टू एनी रीजंस वो इतना प्रेफरेंस नहीं देते। ये सोचते ज़रूर हैं कि हमें अमीर होना है, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, सोचते ज़रूर हैं, लेकिन इसको गोल्स की लिस्ट में टॉप पे नहीं रखते और इसके लिए प्लान नहीं करते। ये भी एक किताब मैं पढ़ रहा हूँ, द रिचेस्ट मैन इन द बेबलॉन, इसमें बहुत सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं। द फिफ्थ लॉ ऑफ गोल्स, द फिफ्थ लॉ ऑफ गोल्ड, ठीक है, द गोल्ड लैंडर ऑफ बेबीलोन। सो
टेबल फाइव, ये मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी इसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन जब आप टॉप प्रायोरिटी पे अपने फाइनेंशियल गोल सेट करोगे तो उसमें क्या करोगे आप? लेट सपोज एक शख्स कमाता है साल में 24 लाख, महीने में कितने हुए? 2 लाख, 12 अरब 2 लाख, 24 लाख, एक साल में उसकी जॉब है, इससे ज़्यादा वो नहीं कमा सकता उस जॉब पे रहते हैं। आप 24 लाख में तो उसने अपनी लाइफ की क्वालिटी मेंटेन कर ली, जो करना था जितना भी करना था कर लिया। अब अगर वो इससे ऊपर जाना चाहता है, अगर उसकी फैमिली बड़ी हो रही है, अगर वो और फैसिलिटीज़ ऐड करना चाहता है अपनी लाइफ में, तो उसको इस ब्रैकेट को बढ़ा के 24 से 48 यानी 48 लाख यानी 4.8 मिलियन पे लेके जाना होगा। अगर आप अपना ये गोल सेट कर लेते हैं कि ठीक है 2.4 मिलियन से 4.8 मिलियन पे जाना टफ़ लगता है, 3.6 मिलियन पे तो जाएं एक साल में, विच इज़ वेरी वेरी इजी अगर आप डिसाइड कर लो और फिर उसकी स्ट्रेटजी बना लो। कैसे डिसाइड करोगे? 2.4 मिलियन तो आने ही आना है, कम कितने हो रहे हैं? 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4 मिलियन, हाँ 4 और 2 6 12 लाख रुपए, 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन को आप मंथ जो एक साल पे डिवाइड करो, 12 महीनों पे 12 लाख, 1 लाख रुपए साल के एक्स्ट्रा अर्न करने, एक महीने के 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा अर्न करने, एंड देन यू विल बी एबल टू रीच टू 3.6 मिलियन। तो अब आपने डिसाइड किया कि 1 लाख कैसे आएंगे एक्स्ट्रा। लेट सपोज आपने कमेटी डाल दी और थोड़ी सेविंग की और उसकी बुनियाद पे आपकी इनकम जनरेट हो गई, आपने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया और आपने कहा कि मेरे पास ये कंटेंट है, ये स्किल है, ये चीज़ मैं दुनिया तक पहुंचाऊंगा, शेयर करूंगा, देन मोनेटाइज होगी ये चीज़ और मुझे यूट्यूब से भी डायरेक्ट अर्निंग भी होगी और इनडायरेक्ट अर्निंग भी। लेट सपोज़ ये वीडियो बनाते बनाते हमें कंपनीज कॉन्टेक्ट करती हैं कि आप आए और पढ़ाए, सो वो जो पढ़ाने के पैसे हमें मिलते हैं वो यूट्यूब तो नहीं दे रहा, बट बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब चैनल हमारी रीच बढ़ गई और हमारा जो नेटवर्क है क्लाइंट का वो ज़्यादा हो गया और उनमें से अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। मिसाल के तौर पे ऐसे एक मैंने किताब पढ़ी, इसका नाम था फिज़िकल इंटेलिजेंस। मैंने उसको पढ़ा, बार बार पढ़ा, उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई किया, अपनी लाइफ बेहतर की, प्लस मैंने उसकी प्रेजेंटेशन बनाई और मैंने एक कंपनी में वो प्रेजेंटेशन उस किताब की बेस पे ट्रेनिंग कंडक्ट की, बता के ये किताब है, ये इसमें लिखा हुआ है और हम ये आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाया तो मैंने रफली उस किताब से 1,50,000 रुपये अर्न किए। तो आप कोई भी शख्स जो जॉब करता है या नहीं भी करता या जो भी उसका सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है तो क्या वो ये नहीं कर सकता? एक महीने में 1.5 लाख रुपये आप 2 लेक्चर देने के ले सकते हैं, बट होगा क्या कि इस लेवल पे पहुंच जाएं कि लोग आपको 1.5 लाख रुपये, तो उसके पीछे एक आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, इम्प्रूव करना पड़ेगा खुद को, फिर मार्केट करना पड़ेगा खुद को। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो क्लाइंट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एंड बी क्लाइंट्स आर रेडी टू पे यू 150,000 फॉर वन डे, इवन दे आर वेटिंग फॉर यू टू ग्रो अप, टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू बी एबल टू गेट दैट मनी। सो होगा क्या? सो फाइनेंशियल गोल में आपने वो सारी चीज़ें तय करें जो मंथली क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे करने से आप अगले साल 36 लाख रुपए कमा सकें। वो जो 12 लाख आपने कमाए उसमें से कुछ आपके इस्तेमाल भी हो जाएंगे ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में। सो इस साल 2022 के आगाज से ही हम सब मिलके कोशिश करें कि इस साल को हम पिछले दोनों सालों से ज़्यादा अच्छा गुजार सकें। अच्छा कैसे गुजार सकेंगे? नंबर वन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें, हेल्थ को प्रायोरिटी नंबर वन बनाएं। हेल्थ के साथ साथ नंबर टू पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ एज ए ग्लोबल सिटीज़न हमें करनी चाहिए वो है टू शो मोर काइंडनेस टू अदर पीपल, बी काइंड। जितना ज़्यादा काइंड होंगे आप दूसरे लोगों के लिए उतना ज़्यादा आपका अपना इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, सम टाइम जानबूझ के भी कर देते हैं लोग, सम टाइम अनइंटेंशनली कर देते हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम फॉरगिव करें,
लेट गो करें और इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा काइंडनेस को शेयर करने का बायस बने। सो 2022 के लिए आप सब के लिए मेरी तरफ़ से बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए, बेस्ट विशेस, और इन्जॉय करें। अभी हॉलीडे सीज़न चल रहा है, सब लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, दिसंबर सर्दी को इन्जॉय कर रहे हैं लोग, और आप भी इन्जॉय करें दिसंबर की सर्दी और छुट्टियों को, और नए साल के लिए अपने नए रेजोल्यूशंस बनाएं जिसमें हेल्थ, काइंडनेस, फैमिली टाइम एंड आप अगले साल के लिए एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस और इन चीज़ों को सामने रखते हुए अपना रेजोल्यूशन बनाएं। और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।